ऑथेंटिक डिश ये आया है, तो इसको क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये 75% हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाइक का बावर्ची। वॉइस थोड़ी सी खराब हो गई है, गला थोड़ा बैठ गया है, वेदर चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, और यहाँ पर वेदर भी स्मॉगी हो रहा है, फॉग है या स्मॉग है गॉड नोज। एनीवेज आज एक बहुत ही सही डिश बनाने वाले हैं हम, और ये डिश तो लाजवाब है। मतलब ये हमारा रेसिपी नहीं है वैसे, ये जो अश्मिता है मेरी वाइफ, उसकी मासी का, मतलब मेरी भी मासी होगी अभी, तो उसकी मासी का रेसिपी है। और हम लोग जब ये वेस्ट बंगाल जो लास्ट ट्रिप किए थे उसी में हम लोग जहाँ उनके घर गए थे और उन्होंने खिलाया था, और वाह क्या टेस्ट। तो अभी रह नहीं पाए जो रेसिपी है, और उसमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसका जो मेन इंग्रेडिएंट था वो मासी ने पकड़ा दिया, और दूसरा जो मेन इंग्रेडिएंट था वो हमने यहाँ पर परचेस कर लिया। तो एक तो वेस्ट बंगाल से आया है और एक हम दिल्ली आके, मतलब गुड़गांव यहाँ पर घर पे आके हमने ख़रीद लिया, और ये बनाएंगे। आगे दिखाते हैं आपको कि क्या इंग्रेडिएंट है, क्या डिश है, कैसे बनता है, क्या नहीं, सब कुछ पता चलेगा वीडियो में। आगे एंजॉय करते हैं वीडियो में, एंड द क्रेडिट गोज टू मासी ओनली। और यहाँ तैयारी चालू है, इसे कहते हैं कोचुल लोती, इसको बंगाली में कहते हैं कोचुल लोती, अरबी कस्टम। ये आया है मासी के वहाँ से, वेस्ट बंगाल से आया है, और ये साफ हो रहा है, क्लीनिंग चल रही है, दोनों मिलके कर रहे हैं। ऑथेंटिक डिश इसको बोलते हैं, चिंगड़ी दिए कोचुल लोती बोलते हैं अभी बंगाली में बोलते हैं, तो इसको अभी मैं एग्जैक्टली हिंदी में कैसे बोलेंगे वो, हाँ प्रॉन्स कोचुल लोती, प्रॉन्स अरबी लोती, कैसे भी बोल लो, ऐसे बोलने में तो अजीब लगता है, ऑथेंटिक डिश को उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स जो भी चाहिए होता है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको बता दूंगा। तो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और इसके साथ जो यूज़ हो रहा है वो है प्रॉन्स, क्लीन एंड डीवेइन कर दिया है। ये स्मॉल साइज प्रॉन्स है, वो आधे किलो के हिसाब से बना रहे हैं, और आधे किलो के हिसाब से जो जो चाहिए होगा वो आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली कौन सा इंग्रेडिएंट कितना क्वांटिटी में चाहिए होगा, वो धीरे धीरे आपको बताते रहते हैं वीडियो में। अभी यही बताएंगे क्या क्या इसमें कैसे क्या करना है। हम थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे और पैन में इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। तेल अब हमारा गर्म हो चुका है, अब हम फ्राई करने के लिए। तो अभी ये बस सिंपली हल्दी एंड नमक के साथ ही फ्राई हो रहा है, दैट्स इट, और सरसों के तेल में हो रहा है, नहीं तो वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आएगा जो सरसों के तेल से आता है। और ये अश्मिता लेके आ गई है, तो इसको क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छे से, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी लगी रहती है, और इधर प्रॉन्स भी हो जाएगा 5-10 मिनट। हाँ, ये पानी छोड़ दिया है, जैसे ही पानी सूखेगा तो पक जाएगा। बढ़िया, अभी अश्मिता बना रही है मिर्ची का पेस्ट। ये मिर्ची का पेस्ट इसमें तीखापन लाएगा। ये है ग्रीन चिलीज का पेस्ट, बाकी बनता कैसे है वो बाद में बताते हैं, क्या वही टेस्ट मिलेगा जो मैंने ट्राई किया था मासी के घर पे, बाद में पता चलेगा। तो ये 75% कुक करना है, पूरा कुक नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो वो बहुत ज़्यादा चिवी हो जाएगा, ये अभी सब्जी में जाकर भी और बाकी कुक हो जाएगा, इसीलिए इसको 75% अभी कुक किया गया है। अभी जो जो मसाले यूज होंगे वो सब आपको बताएंगे अभी। ये देखो एक क्रोकोडाइल भी साथ में रखा है, इसको भी खाना है हमें खाने के साथ, हाँ क्रोकोडाइल। সব সিক্রেট রিভিল হয়ে যাবে। আরে মেইন জাত থেকে শিখছে এরা, জানতে হবে না ওদেরকে, নেক্সট টাইম থেকে আগে বলো তো মেকআপ করে বসবে, এনে ভালো লাগে। अभी जो आप देख रहे थे, जिससे हम मोबाइल में बात कर रहे थे,
मासी उन्हीं से एक्चुअली ये डिश के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा था। और अभी सरसों का तेल फिर से कढ़ाई में, इसमें जो जो चीज़ें ऐड हो रही हैं, जो मसाले ऐड हो रहे हैं थोड़े बहुत, वो आपको दिखाते हैं। वो है काला जीरा आधा चम्मच है, और एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच चीनी, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी। ठीक है, नमक आपके स्वाद अनुसार। तो एक एक चीजें अभी गरम तेल में जाएंगी। अभी इसको सौते करते रहना है। है बहुत सिंपल, बट वही होता है सिंपल चीज़ें बनाना उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें चाहिए होता है आपको एक्सपर्टीज। ये सारा मसाले को हमने एक साथ मिला के ऐड करके हमें डाल दिया इसमें। तो अभी इसको ऐसे ढक ढक के बनाना है और थोड़ा थोड़ा देखना है कितना सॉफ्टनेस आ रहा है, कितना ये ज़्यादा गलना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं रहना चाहिए, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा बीच बीच में। जब तक वो हो रहा है तब तक आप ये देखिए, या तो फिर इसको देखिए, या तो फिर आप इसको देखिए, जितना भी खा ले फिर भी भूखा रहता है। तो सॉफ्टनेस कितना हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा, फिर जरूरत पड़े तो आपको थोड़ा पानी ऐड करना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बस थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड करना है, नॉर्मल पानी नहीं, गर्म पानी ऐड करना है, ल्यूकॉम है ना। और ये क्या, तो हम लोगों को थोड़ा सा तीखा पसंद है, हमने थोड़ा सा इसको और मिर्ची डाला है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। तो जीरा जो ये था, ये जीरा हम लोग एकदम लास्ट में ऐड किए, जीरा को एकदम लास्ट में ही ऐड करना है, क्योंकि उससे उसका जो खुशबू आती है, एक फ्रेगनेंस आता है, एक अरोमा, वो बहुत सही आता है। फिर से ढक देना है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी देर करके देखना पड़ेगा। सिंपल दिख रहा है पर इतना सिंपल भी नहीं है। अभी ये जितना होना चाहिए था इसको सॉफ्टनेस आ गया है, जो बाकी 75% कुक्ड प्रॉन्स थे वो अभी इसमें ऐड कर दिया गया, और ये जो ल्यूकवॉर्म वाटर था वही ऐड कर दिया जा रहा है इसमें। पिकुआ यही पार्ट रहता है वीडियो में, या तो बदमाशी करती है या तो सोती रहती है। और जीरा पाउडर ऐड हो रहा है, हो गया है जीरा पाउडर ऐड, बहुत अच्छा आ रहा है। और गैस को कर देते हैं बंद, खाने के लिए हम बेचैन, हाँ बेचैन, बेताब, विक्रम बेताल। इसको ना हम बहुत अच्छे से सजा के एकदम मस्त तरीके से दिखाते हैं आपको, जिस तरह से हमें मिला था वहाँ पर भी खाने को। ये प्रॉपर एकदम थाली से हमने सजा दिया है, और सारे ऑलमोस्ट बंगाली डिश है। आलू पोस्त तो है, ये तो अभी आपको दिखाया, और ये है दाल, और ये चिकन है, ये हांडी चिकन है। ये हांडी चिकन का मैंने एक रील बनाया था बहुत पहले, इतना सारा खाना खाना है तो भी खा के बताते हैं इसको। ये इतना अच्छी तरह से सजाया है ना, तोड़ने को भी मन नहीं करता। अल्टीमेट थैंक्स टू मासी, बोल दो अपने मासी थैंक्स। थैंक यू मासी, बहुत अच्छा टीम वर्क इन्होंने किया। मैं मजा लेता हूँ डिश का, और आप जरूर इसको ट्राई करना घर पे,
एंड कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। कोई कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट करना, हम उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए बाय बाय। तो इसका नाम क्या रखा है? कोचुल्लोती चिंगड़ी, चिंगड़ी माछेर कोचुल्लोती, चिंगड़ी दिए कोचुल्लोती, कुछ भी बोल लो। और ये रहा, क्या नाम था भूल गया मैं, कोचुल्लोती के साथ प्रॉन्स, कोचुल्लोती दिए चिंगड़ी, कोचुल्लोती दिए चिंगड़ी, चिंगड़ी दिए कोचुल्लोती। बताओ।